ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे 11th मैथ कंटिन्यूटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का 5th प्रॉब्लम। यहाँ पे डिस्कस कंटिन्यूटी करना है। तो इन्होंने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, ठीक है, और ये दिया है इसका पॉइंट्स दिया है इंटरवल। तो हमको पता करना है कि पहले ये क्या है करके, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं क्या है करके, ठीक है, ये ब्रैकेट का क्या फंडा है आपको पहले समझ में आना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। तो ये याद रखो, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो क्लोज इंटरवल, ये पहले वाला स्क्वायर है, सेकंड वाला राउंड रहेगा तो सेमी क्लोज, और पहले वाला राउंड और सेकंड वाला स्क्वायर रहेगा सेमी ओपन, दोनों राउंड ब्रैकेट रहेगा तो ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो पहले इसको कैसे लिखना है तो मैं सिखाऊंगा ये कैसे लिखना है, ठीक है। तो अगर दोनों ए रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें इक्वल टू लेना है, यहाँ पर इक्वल टू -2 और 2 के बीच में यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा, तो ये नंबर भी आएगा और ये भी आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है बट यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, तो इसके लिए यहाँ पे इसके लिए इक्वल टू लेना है, इसके लिए इक्वल टू नहीं आएगा, इसके लिए ऐसे लिखना है, मतलब समझो इसके लिए लेस देन इक्वल टू लेना है, इसके लिए लेस देन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ऐसे लिखना है। इसके बाद और हमारे पास अभी नेक्स्ट वाला ये है, ये राउंड है, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे राउंड है तो इसके लिए लेस देन आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट है इसके लिए लेस देन इक्वल टू, मतलब ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए नंबर नहीं आएगा, तो ऐसे लिखना है। एंड लास्ट में दोनों ओपन है तो यहाँ पर दोनों लेस देन आएगा, ये दोनों नंबर नहीं आएंगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हमको ये चाहिए, राइट, तो ये यहाँ पे है, तो बाकी सबको मैं अरेंज करता हूँ, आपको समझ में आ रहेगा। तो हमको ये पार्ट चाहिए, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये जो पॉइंट था इसको प्रॉपरली लिखा, ऐसे लिख के हमको पता चल गया कि इसके अंदर ये वैल्यू है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, हमको पता चल गया। अब इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन दिया एक +1, ठीक है। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये जो -2 है इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, देखो। तो पहले -2 से स्टार्ट करेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे ब्रेक करना है। उसके बाद -1 पे लेते हैं, ये दिया था -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, उसके बाद 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, एंड इसके बाद 2 भी बाकी है तो आएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, यानी ये जो नंबर है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये जो नंबर को इधर लिखा है, ठीक है। तो ये ऐसे ये जो इंटरवल है इसको हमको ब्रेक करना है इससे, इसके बाद इसमें क्या फंक्शन आएगा और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा हमको ढूंढना है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने फंक्शन दे दिया यहाँ पे, x+1 करके दिया है, ठीक है, तो x+1 दिया है, तो इसमें पहले इसका वैल्यू पुट करना है इधर, -2 प्लस 1 यह आएगा -1, तो इसको इधर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट -1 को पुट करना है, -1 को पुट करेंगे तो आएगा 0, तो यहाँ पर 0 पुट करना है, ये वाला इंटरवल के लिए। अब लास्ट सेकेंड लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 0 लेते हैं तो इसका आएगा 1, तो ये 1 लिखना है यहाँ पे। इसके बाद ये पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेते हैं तो यह आएगा 1+1, यह आएगा 2, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है। ये फंक्शन याद रखो, तो इसके अंदर ये दिया 1+1, तो इसके वजह से मैंने 1+1 लिया है, ठीक है, जो भी दिया है उसको साइड पे लिखो और इधर पॉइंट को इधर फिट करो और देखो क्या आ रहा है करके, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन ये आ गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करना है बताऊंगा, देखो। ओके स्टूडेंट, तो अभी ये जब मिला हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं बताऊँगा इस वीडियो पर, सो देखो, ठीक है। तो पहले ये याद रखो, हमको ये पॉइंट मिल गया, राइट, इसके बाद ड्रॉ करने के लिए हमको ये लगेगा, ठीक है। तो -2 क्लोज्ड है तो क्लोज्ड रहेगा तो ऐसे लिखना है, एंड -1 यहाँ पे ओपन है तो ऐसे लिखना है, ठीक है।
तो माइनस टू है, माइनस टू ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है एंड ओपन है, तो माइनस वन ओपन है, तो इसको ऐसे लेना है, फिर एक लाइन लेना है, ठीक है, अच्छा ड्रॉ करना है। अभी नेक्स्ट इसमें माइनस वन क्लोज्ड है एंड जीरो ओपन है, तो माइनस वन को हमको क्लोज करना है एंड जीरो ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन लेना है, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने जीरो को क्लोज किया, वन को ओपन किया, तो इसके लिए यहाँ पे ये जीरो है, जीरो के लिए क्लोज लेना है एंड वन है, जीरो के लिए क्लोज है, वन है, वन के लिए ओपन है, तो ओपन के लिए लेना है, इसके लिए यहाँ पे आएगा, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला है, उन्होंने वन को क्लोज कर दिया एंड टू को ओपन किया, तो मतलब यहाँ पे वन है, वन इधर है, तो वन इधर है, वन को क्लोज किया उन्होंने एंड टू, टू को ओपन किया, टू को ओपन किया, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है, तो आपका डायग्राम रेडी है। तो ऐसे ड्रॉ करना है, काफ़ी इजी है, अगर आपको यह आता है तो फिर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मुझे लगता है ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज हाफ मार्क या वन मार्क कट करेंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या फाइंड करना है हमको, माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, माइनस बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड माइनस वन का प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो मैंने माइनस वन लिया क्योंकि यहाँ पर डायगनल वैल्यू को याद रखूँ, ठीक है, पहले इसको लेना है, फिर इसके बाद जीरो को, फिर इसके बाद वन को, ठीक है, तो माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये माइनस वन का लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन आएगा एंड यहाँ पे माइनस वन का राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन लेना है, ठीक है, तो एक पॉइंट लेंगे तो काफ़ी है इसके लिए, ठीक है, तो ये सब बाद में कर सकते हो, बट नहीं क्या तो चलेगा, ठीक है, तो पहले ये लिख लें यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस वन फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस वन। तो अभी ये माइनस नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, सेकंड टाइम नहीं बताना है, ठीक है, तो अब इसके लिए लेजन में क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो इसको लिखो इधर माइनस वन, तो इसका आंसर वहाँ पर कुछ एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो सेम आंसर आएगा, ये आएगा माइनस वन। उसके बाद अभी राइट हैंड लिमिट पे जाते हैं, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस वन प्लस एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस वन, तो फर्स्ट टाइम प्लस लिखना है, उनको बताना है कि ये राइट हैंड लिमिट है, सेकंड टाइम नहीं बताना है, ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन के लिए आएगा लेस देन के लिए, ठीक है, माइनस वन का लेस देन ये लाइन पे आएगा एंड ग्रेटर देन ये लाइन पे आएगा, और इसके लिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखना है जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वैसे लिखना है, ठीक है, इसको अरेंज करके लिखता हूँ, देखो तो स्टूडेंट, उसके बाद क्या लिखना है कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट आया था हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका आ रहा है माइनस वन, इसका आ रहा है जीरो, तो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस एट माइनस वन लिखना है। तो सिमिलरली हमने माइनस वन लिया था, अगर मैं जीरो लूँगा तो जीरो लूँगा तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जीरो आएगा और इस लाइन पे वन आएगा, जीरो लिया तो मतलब ए भी डिसकंटिन्यूस होगा, तो एक पॉइंट का प्रूव करना है, दूसरा पॉइंट का प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो भी आएगा एंड इसके बाद अगर मैं वन भी लूँगा, ये पॉइंट लूँगा तो यहाँ पे भी इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रहा है, राइट हैंड लिमिट टू आ रहा है, मतलब ए भी डिसकंटिन्यूस है, तो वन ये लिखना है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद फाइनल आंसर पे आ जाओ, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस हुआ, माइनस वन में हुआ था, उसके बाद जीरो में, उसके बाद वन, ये तुम्हारा फाइनल आंसर ऐसे रहेगा, ठीक है, तो बस एक पॉइंट का बताओ कि डिसकंटिन्यूस है, बाकी जीरो का और वन का बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।